Fine, so now LCR AC series circuit, one more method of solution which is analytical method. अब नॉर्मली एग्जाम में अगर आपको ऐसा कहा है कि ऑब्टेन सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर एसी सीरीज सर्किट, वी विल ऑलवेज डू इट बाय द फेजर मेथड. बट अगर चार मार्क में ऐसा मिले कि बाय एनालिटिकल मेथड, तो उसमें अगर तुम फेजर ड्रॉ करोगे तो तुमको मिलेगा पूरा जीरो. तो उसमें तुमको एनालिटिकल मेथड्स ही करने पड़ेंगे. एनालिटिकल मेथड में थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, थोड़ा सा, आते में नमक जितना, या कह लो नमक में आते जितना, उतना सा मैथ्स है. लेट्स सी. चलो सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे वापस. अरे अटेंशन एवरीवन, सबसे पहले सर्किट बना लेंगे हम वापस. क्या क्या था सर्किट में हमारे पास? आर सी एन एल क्या जोड़ा था यहाँ पे हमने? एसी सिग्नल. क्या था ये? आर. ये क्या था? सी. ये क्या था? एल. सब जगह पे वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. वी आर, वी सी एन, वी एल. ये था आपका सोर्स वोल्टेज V, एंड वी हैव रिटर्न सोर्स वोल्टेज V इक्वल टू वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल. राइट, फटाफट पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे हम. चलो वोल्टेज V क्या होता है? वी एम साइन ओमेगा टी. रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज आता है बेटा? V इक्वल टू आई आर. कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज आता है? Q बाई सी. इंडक्टर पे कितना वोल्टेज आता है? L इंटू डी आई बाई डी टी. अग्री? इस पूरे को हम चार्ज के डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे बेटा. तो करंट को क्या लिखेंगे? dQ by dt. साथ में क्या है? R. Q रखेंगे as it is, divide by C. और dI by dt, अगर हम I की जगह लिखे dQ by dt, तो वो वापस डिफरेंशिएट हो रहा है. तो क्या हो जाएगा बेटा? ये d square Q by dt square. तो ये बना आपका डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड दिस इक्वेशन इज क्वाइट सिमिलर. वापस एक बार लिखेंगे सारे टर्म को रीअरेंज करके. पहले इस वाले टर्म को लिखेंगे एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर इंटू डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी. सो बेटा दिस इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑसिलेशन. 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक था फोर्स ऑसिलेशन. तो दिस इज सिमिलर टू, दिस इज सिमिलर टू differential equation of forced oscillation. चलिए इसको थोड़ा याद करेंगे. forced oscillation का differential equation कुछ ऐसा था, fo sin omega t is equal to m into d square y by dt square plus b into dy by dt plus k into y. ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन था ऑसिलेशन का. और वही सिमिलर इक्वेशन यहां भी बन रहा है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे चार्ज है, मास की जगह पे इंडक्टर है, डैम्पिंग कांस्टेंट की जगह पे रेजिस्टेंस है, और फोर्स कांस्टेंट की जगह 1 बाई सी है. फोर्स कांस्टेंट की जगह पे कौन है? 1 बाई सी है. या आगे हम सर्किट को थोड़ा सा आप दोनों को कंपेयर करेंगे, बट अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां से. चलिए अब इसका सॉल्यूशन आपको सबसे पहले गैस करना है. तो बेटा किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है? चार्ज का. तो हम चार्ज को पहले गैस कर लेंगे कि लेट Q इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. हमने पहले चार्ज का इक्वेशन गैस कर लिया है. द चार्ज इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. चलिए हमारे इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए डी क्यू बाई डी टी और हमें चाहिए डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर. तो पहले एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा? क्यू एम. साइन का डेरिवेशन क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा. और ओमेगा टी का डेरिवेशन क्या हो जाएगा? ओमेगा. एक बार इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि दूसरा डिफरेंशिएशन भी आपको चाहिए. डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर क्यू एम एज इट इज ओमेगा एज इट इज. कॉस का डेरिवेशन क्या होता है बेटा? माइनस साइन. कॉस का डेरिवेशन क्या होता है बेटा? माइनस साइन. तो यहां क्या लग गया? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. और ओमेगा टी प्लस थीटा का वापस क्या होगा? ओमेगा. तो ओमेगा क्या हो जाना है बेटा? स्क्वायर. ओमेगा क्या हो जाना है? स्क्वायर. अब ये तीनों वैल्यू जाके आपको इस इक्वेशन में रख देनी है. चलो रखते हैं तीनों वैल्यूज को जाके इक्वेशन में. सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू. ओके लेट मी गो ऑन नेक्स्ट बोर्ड.
क्योंकि यहाँ पे सब ना खिचड़ा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। सो इक्वेशन में रखेंगे बेटा, इक्वेशन में हमारे पास वीएम साइन ओमेगा टी इक्वल टू, चलो पहला टर्म क्या था जरा ध्यान से देखेंगे, एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर दैट इज वैल्यू। ओके सो विल पुट इट हियर, एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है बेटा, माइनस क्यू एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया आपका पहला टर्म। सेकेंड टर्म है आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी ये रहा कॉस वाला टर्म है राइट, सो इट इज आर इंटू डी क्यू बाई डी टी, क्या है बेटा डी क्यू बाई डी टी क्यू एम इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो सेकेंड टर्म भी आ गया बेटा, चलो थर्ड टर्म देखते हैं। चलो बेटा थर्ड टर्म क्या था चेक करो, थर्ड टर्म था क्यू बाई सी, क्यू क्या है क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा रख देंगे यहाँ पे, नीचे क्या है वन बाई सी पहले से है, और क्यू कितना रखना है आपको क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा रखा इतना हमने। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम सब में से ओमेगा कॉमन निकालेंगे, हम क्या करेंगे सब में से ओमेगा कॉमन निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, हम सब में से ओमेगा कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, दिस विल बी क्यू एम भी कॉमन आ जाएगा और हमने साथ में ओमेगा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, क्यू एम गया एक ओमेगा गया, तो यहाँ क्या बचा ओमेगा और बाहर क्या है एल, तो यहाँ बचेगा बेटा आपका ओमेगा इंटू एल कौन से साइन के साथ नेगेटिव, और साथ में यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। चलो यहां से भी क्यू एम बाहर चला गया, आप क्या बचा है यहाँ पे बेटा ओमेगा भी बाहर चला गया, यहां बचा है आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, एग्री एवरीवन। अब यहां से हमने क्यू एम तो निकाल दिया बट इधर तो ओमेगा था ही नहीं, तो भी आपने कॉमन निकाला, तो क्या करना पड़ेगा आपको ओमेगा को नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां क्या करेंगे नीचे ओमेगा को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने ओमेगा बाहर निकाला है बट उधर ओमेगा नहीं था, तो हमें ओमेगा को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए और क्यू एम बाहर जा चुका है, क्या बचा यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। बेटा अगर थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालो ना तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ बन चुके हैं, ओमेगा इंटू एल एक्स एल एंड वन बाई ओमेगा सी एक्स सी, यस और नो, और उन दोनों के साथ साइन वाला टर्म है, तो हम क्या करेंगे बेटा उन दोनों को साथ में ले लेंगे, क्यू एम इंटू ओमेगा एक्स सी माइनस एक्सएल, एक्ससी माइनस एक्सएल, और उन दोनों में साइन वाला टर्म है जो हम बाहर लिख देंगे इस तरह साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो बेटा मैंने क्या करा इन दोनों टर्म को साथ में रखा, इन दोनों टर्म को, क्योंकि इन दोनों में साइन है और उन दोनों में से मैंने साइन कॉमन निकाल ली है, और बाकी बचा यहां पे आपके पास आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप यहां पे आता है जहां पे आपको पार्टियां फिट करना है, पार्टियां फिट करना है। हम क्या करेंगे अब हम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ जेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ जेड, व्हाट इज जेड, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, उससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो चलो देखो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ये आपका था वी एम साइन ओमेगा टी, चलो मल्टीप्लाई करेंगे क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू जेड, यहां पे हम डिवाइड करेंगे तो एक्स सी माइनस एक्सएल बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आर बाई जेड कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो हमने क्या करा बेटा जेड मल्टीप्लाई करा जेड डिवाइड करा, तो मैं इस जेड को ना थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूं, जेड 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 क्या करा उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अंडरस्टूड। अब वापस पार्टियां पिट करना है, अब क्या है देखो बेटा ये जो साइन के साथ टर्म बन रहा है ना इससे हम अज्यूम करेंगे साइन फाई, देखो पहले वेरिएबल थीटा था अब एक नया वेरिएबल यहां पे आया इसे क्या अज्यूम करना है साइन फाई, और ये जो कॉस के साथ है उसे क्या अज्यूम करना है आपको कॉस फाई, राइट। तो फॉर्मूला सेट हो जाएगा यहाँ पे, मैथ्स वालों को तो पता चल चुका है साइन इंटू साइन प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला सेट हो गया यहाँ पे। सो हमने क्या करा बेटा यहाँ पे, चलो हमने यहाँ पे अटेंशन एवरीवन, हमने क्या करा यहाँ पे वी हैव टेकन लेट, कौन सा कलर था ये, हाँ ओके लेट अटेंशन,
एक्स सी माइनस एक्सएल बाई जेड को हमने ले लिया बेटा कॉस फाई, और आर बाई जेड को हमें ले लेना है साइन फाई। इन दोनों का रेशियो कराओ तो साइन बाई कॉस कराओ, व्हाट यू विल गेट। मैंने उल्टा लिख दिया, हमें वही सोचो ना, ऐसा कैसे, कोई नहीं, चलो बड़े बड़े थियरी में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। तो ये साइन फाई है और ये क्या लिया बेटा कॉस फाई। चलो इन दोनों का रेशियो करो टेन फाई, टेन फाई क्या होता है बेटा साइन फाई बाई कॉस फाई। चलो साइन फाई में क्या है बेटा, ऊपर एक्स सी माइनस एक्सएल, कॉस फाई में क्या है ऊपर आर बाई जेड, जेड जेड कट हो जाएगा, एक्स सी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर। ऐसा तो सेम आपने आगे भी बनाया था, टेन फाई इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर। तो देखो एक फॉर्मूला बना बेटा फेस डिफरेंस का, ध्यान यहां पे एक फॉर्मूला बना आपके पास टेन फाई का। क्या फॉर्मूला बना यहां पे टेन फाई, और आपका इक्वेशन क्या बचा ध्यान से देखो भाई, अभी तो ये थियरी शुरू हुई है, बहुत चलेगी अभी तो ये। सो वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू जेड, क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू जेड। चलो बेटा यहां पे क्या है साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन फाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहां पर है कॉस फाई कॉस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, कॉस फाई कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये मैथ्स का फॉर्मूला बन गया, एंड फॉर्मूला के हिसाब से ये आपका है कॉस अल्फा माइनस बीटा, दैट इज कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाई। ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा का। क्या फॉर्मूला है लिखो, लिख देते चलो। फॉर्मूला इज कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ऐसा मैथ्स का फॉर्मूला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो वैसा ही सेम फॉर्मूला यहां पे सेट हुआ है, देखो कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, दैट इज कॉस ऑफ दिस एंगल माइनस दिस एंगल, राइट। चलो इधर क्या है हमारे पास, अब हम आ चुके हैं लास्ट एंड के ऊपर जहां पे हमें कंपैरिजन करना है, वीएम साइन ओमेगा टी। चलो बेटा आप खाली कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इफ आई कंपेयर ऑन बोथ दिस साइड व्हाट विल आई गेट, वीएम का काम यहां कौन कर रहा है क्यूएम इंटू ओमेगा इंटू जेड, कौन कर रहा है बेटा क्यूएम इंटू ओमेगा इंटू, ये कौन सा आ गया कलर, क्यूएम इंटू ओमेगा इंटू जेड। तो मेरा पहला कंपेरिजन क्या है बेटा, पहला कंपेरिजन मेरा निकलेगा हियर वी हैव वी एम इज इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा इंटू जेड। अब वोल्टेज वी क्या होता है आई इंटू आर, ये आपका रेजिस्टेंस है जेड, तो ये क्या होगा करंट होगा। तो ये जो वैल्यू बना आपका, दिस वैल्यू मस्ट बी करंट आई एम, तभी तो आपका फॉर्मूला सेट होगा ना, वी इक्वल टू आई इंटू आर। आई नो इट इज डिफिकल्ट, और 100 में से 5 बच्चे भी ऐसे नहीं होते जो इसको पूरा लिख पाते सही से एकदम। अब उन 5 में तुम हो या नहीं हो ये तुम्हारा चॉइस है, क्योंकि इस साल आपको एक्सटर्नल ऑप्शंस मिलने नहीं है। एनीथिंग कैन बी कम इन कैन बी देयर इन कंपल्सरी क्वेश्चन एनीथिंग। इस चैप्टर में से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, एंड दिस कैन बी आस्क्ड। 3 या 4 ही थियरी है जो 4-4 मार्क में बन सकती है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलो तो यहां पे बेटा आपके पास एक बन गया आई एम, आई एम क्या बन गया हमारे पास क्यू एम इंटू ओमेगा, अटेंशन। तो एक बन गया हमारे पास आई एम, क्या बन गया बेटा आई एम इक्वल टू क्यू एम इंटू ओमेगा, पहुंचा यहां तक। अब दूसरा कंपेयर करेंगे एंगल को दोनों तरफ, ध्यान देना एंगल को कैसे कंपेयर करना है बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये भी एक ट्रिक है, यहां पे भी यहां पर भी एक ट्रिक है, कौन सा कलर यूज करें इस ट्रिक के लिए हम, एल ये कौन सा था ग्रीन। चलो बेटा ध्यान दो, यहां पर साइन है और यहां पे कॉस है, अगर दोनों फंक्शन को सेम करना है तो 90 का रिलेशन लाना पड़ेगा। ओमेगा टी तो यहां पर भी है, ओमेगा टी यहां पर भी है, मैं बड़े प्यार से लेने वाला हूं ये जो वैल्यू है थीटा माइनस फाइव, आई टेक दिस वैल्यू माइनस फाइव बाई टू, क्योंकि कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी।
क्योंकि माइनस पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री नीचे, उसमें आप प्लस ओमेगा टी करो, आप कौन से क्वाड्रेंट में आए, चौथे क्वाड्रेंट में, माइनस पाई बाई टू नीचे होगा, उसमें ओमेगा टी प्लस करो, आप कौन से क्वाड्रेंट में आए, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये जो हुआ ना आपका कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, दैट इज योर साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू दैट इज योर साइन ओमेगा टी। तो यहां से आपके दो इंपॉर्टेंट चीजें, यह आपका बन जाएगा वैल्यू, दोनों को इक्वल करना है, तो यहां से आपको आई एम मिला, और ये जो आपका है थीटा माइनस फाइव बेटा, ये कितना वैल्यू है आपका, माइनस पाई बाई टू। तो मेरा एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां से आ रहा है, थीटा माइनस फाइव इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, सो आई कैन राइट दिस थीटा इक्वल टू फाइव माइनस पाई बाई टू। तो ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिलेशन ला दिया, ठीक है। चलो अब हम राजा है, कौन है हम, राजा। देखो हमको हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या था, करंट लाना था हमको, अल्टीमेट टारगेट क्या था, करंट लाना था। तुमने शुरुआत कहां से करा था, चार्ज से, याद है शुरुआत कहां से करा था, यू हैव अज्यूम चार्ज क्यू इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ऐसा आपने अज्यूम करा था, करा था कि नहीं, करा था ना, करा था राइट। चलो इसको डिफरेंशिएट करो, आई क्या होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी, करो डिफरेंशिएट क्यू एम एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और ओमेगा टी का वापस क्या हो जाएगा, ओमेगा, लो क्यू एम इंटू ओमेगा, क्या है ये, आई एम, करंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या है बेटा हमारा, आई एम, ब्लैक कलर आ गया, क्या वैल्यू है बेटा यहां पे, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस, थीटा की जगह क्या रखेंगे, फाइव माइनस फाइव बाई टू, थीटा की जगह क्या रख दिया, फाइव माइनस फाइव बाई टू, इससे भी सब्सटीट्यूट किया, इससे भी सब्सटीट्यूट किया ऊपर से, तो आपको करंट का इक्वेशन मिल चुका है, करंट आई इक्वल टू आई एम। चलो ये क्या हो गया, कॉस 90 का रिलेशन आया, मतलब फंक्शन चेंज होगा वापस, माइनस पाई बाई टू मतलब नीचे, उसमें कुछ भी जोड़ोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये आपका कॉस का जो 90 का मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा बेटा, साइन, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, कॉस का 90 का मल्टीपल है मतलब साइन होने वाला है, और ये वैल्यू चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में आपका कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। इसीलिए तो कुछ टीचर ऐसा कह देते हैं ना कि मैं समझाऊंगा तो भी आपको समझ आना नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो, बट ऐसा होता नहीं है, समझाओगे तो ऐसा ही थोड़ी बाल सफेद कर दिए इतने सारे। चलो कॉस, कॉस ये चौथे क्वाड्रेंट में बेटा, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, क्या बचेगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस थियरी राइट। यहां पे आपका यहां पे आपका ये आई एम क्या होता है, वी एम बाई जेड, आई एम क्या होता है, वी बाई जेड, जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, और ये फाइव कहां से निकालेंगे हम, फाइव इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स सी माइनस एक्सएल बाई आर, दिस इज हाउ यू कैन डू इट एनालिटिकली विदाउट यूजिंग द फेजर मेथड। चलो बड़े प्यार से आप इसके स्टेप एक बार वापस चेक करो राइट। शुरू कहां से करना है, पहले चार्ज का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमें, फिर एक चार्ज को हमें गैस करना है कि चार्ज क्यू इक्वल टू क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, चार्ज को गैस किया, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी क्यू बाई डी टी लाएंगे, एक बार वापस डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी लाएंगे, और ये तीनों वैल्यू जाके हम यहां पर रख देंगे, ठीक है। चलो तीनों वैल्यू जैसे ही आप यहां पर रखोगे, यू विल एंडेड अप समवेयर हियर, सब में से क्यू एम कॉमन, सब में से ओमेगा कॉमन, इधर ओमेगा नहीं था तो नीचे ओमेगा डिवाइड होगा, इधर आपकी आधी थियरी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज ये बन जाता है एक्सएल, ये बन जाता है एक्ससी, एक्ससी माइनस एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आर कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब आता है पहला चेक पॉइंट जहां पे आपको जेड डिवाइड जेड मल्टीप्लाई करना है, जेड मल्टीप्लाई करा, जेड डिवाइड करा, जो कॉस के साइन के साथ टर्म है उसको साइन फाई ले लो, जो कॉस के साथ टर्म है उसको कॉस फाई ले लो राइट। यहां से आप एक और कदम आगे बढ़ोगे तो आपका इक्वेशन अब ऐसा दिखेगा, ये रहा क्यू एम ओमेगा जेड
साइन साइन कॉस कॉस, ये फॉर्मूला हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तीन चार बार लिखोगे ना फिर अपने आप तुम्हारे हाथ चलेंगे। यहां पहुंचते आपको इक्वलाइज करना है, ये दोनों इक्वल है, तो यहां से आपको आई एम मिल गया करंट का मैक्सिमम वैल्यू। क्या मिला बेटा यहां से हमें? आई एम मिला, करंट का मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो ये एक साइन है एक कॉस है, तो 90 का रिलेशन लाना पड़ेगा, ओमेगा टी दोनों में है, तो ये बाकी जो एंगल है कॉस के साथ वो क्या होगा? माइनस 90 होगा, तो फिर ये अपने आप साइन और ओमेगा टी सेट हो जाएगा। बना एक और रिलेशन, क्या मिल गया आपको? थीटा भी मिल गया, फाइव माइनस फाइव बाई टू। अब ये करंट के इक्वेशन के अंदर जाके इसकी जगह आई एम लिखो, ये वैल्यू डालो और लिख दो, आपका आंसर आ गया। राइट, दिस इज हाउ यू कैन गेट योर आंसर बाय एनालिटिकल मेथड। अंडरस्टूड एवरीवन? दो तीन बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके हाथ रुके बिना इसको सॉल्व करेंगे। अगर इसको आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको पता ही है क्या होगा एग्जाम में, है कि नहीं? तुम्हारा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए घर पे जितने कागज भरोगे उतने कागज एग्जाम में भी भरेंगे। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द एलसीआर एसी सीरीज सर्किट। अब आगे जाके हम सीखेंगे रेजोनेंस और रेजोनेंस के कंडीशन, बट दैट्स अ टॉपिक ऑफ नेक्स्ट क्लास।